नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, हाल ही के दिनों में हमने वहीदा रहमान के पति कमलजीत पर वीडियो बनाई थी। वीडियो को अच्छा प्रतिसाद तो मिल गया, पर कुछ दर्शकों ने ये कहकर आपत्ति जताई कि हमने बहुत सारी बातें दर्शकों से छुपाई हैं। तो चलिए उन कॉन्ट्रोवर्शियल बातों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अबरार अलवी और जॉनी वॉकर ने क्या कहा था ये जान लेते हैं। उनका मानना था कि वहीदा रहमान मुस्लिम है और गुरुदत्त हिंदू। वहीदा तो अबरार अलवी को बड़ा भाई मानती थी। अबरार और जॉनी वॉकर का मानना था कि वहीदा के घर वाले कट्टर मुस्लिम हैं और वे उनकी बेटी को किसी हिंदू से शादी नहीं करने देंगे। ऐसे में वहीदा रहमान के भाई ने गुरुदत्त को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए दबाव डाला था। एक दिन वहीदा का भाई किसी मौलवी को गुरुदत्त के घर लेकर आने वाला था। उस दिन वो गुरुदत्त का धर्म परिवर्तन करने ही वाला था कि ऐसे में गुरुदत्त ने जॉनी वॉकर और अबरार अलवी को घर बुला लिया। वहीदा के भाई की हरकतें सुनकर वे दोनों गुस्सा हुए और गुरुदत्त के घर वहीदा के भाई के आने का इंतजार करने लगे। वहीदा रहमान का भाई जैसे ही काजी मौलवी को लेकर आया, उसने उन दोनों के गुस्सैल चेहरे देखे और बिना कुछ बोले वहां से भाग गया। अब ये जो बात हमने आपसे कही है, इसका प्रमाण खुद अबरार अलवी देते हैं। जिस शख्स के सामने ये बातें हुई थी, अगर वही इंसान सच्चाई बता रहा है तो हमें भी उसी पर यकीन करना चाहिए। लोगों के बीच ये गलत फहमी है कि वहीदा ने गुरुदत्त को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया था, पर सच्चाई कुछ और है। उन दोनों में लगाव था, पर दोनों में से किसी ने भी इस बात को बयां नहीं किया था। एक समय ऐसा भी आया जब गुरुदत्त ने वहीदा से बात करना भी बंद कर दिया था। गुरुदत्त अपनी बीवी से रिश्ते सुधारना चाहते थे, जिस पर हमने दो भागों में वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंत में देखने वाले कार्ड्स में मिल जाएगा। इसमें कोई शक नहीं था कि वहीदा रहमान फिल्म जगत में सेटल होना चाहती थी और इस काम को अंजाम देने के लिए उसने गुरुदत्त का पूरा इस्तेमाल कर लिया। पर इस बात से ये साबित भी नहीं होता कि वो स्वार्थी एक्ट्रेस थी। ये बात भी सच है कि कमलजीत के आ जाने के बाद वहीदा ने उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाने को कहा था, क्योंकि जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि वहीदा के घर वाले बहुत धार्मिक लोग थे। ऐसे में वहीदा कमलजीत को पसंद भी करने लगी थी। वहीदा रहमान का अफेयर 10 सालों तक चला था। इन 10 सालों में वहीदा उनसे मिलने के लिए कई बार विदेश भी जाकर आई थी। कमलजीत एक फ्लॉप एक्टर जरूर थे, परंतु वे एक रईस इंसान थे। उस दौर में वहीदा बहुत बड़ी अभिनेत्री बन चुकी थी। 1964 में शगुन फिल्म आई थी। फिल्म बनते वक्त कमलजीत ने वहीदा को प्रपोज किया था। 10 सालों के बाद शादी करने के पीछे का कारण भी अलग अलग है। एक तो कमलजीत हिंदू थे और दूसरा कारण ये भी था कि वहीदा स्टारडम के पीक पर थी। जब उन्होंने लीड एक्ट्रेस की भूमिका लेनी बंद कर दी, तब जाकर उन्होंने शादी करने का बड़ा फैसला लिया। 1971 की फिल्म मन मंदिर में वहीदा सिंगल लीड एक्ट्रेस बनी थी। उसके बाद भी वहीदा कई सारे फिल्मों में लीड एक्ट्रेस बनी थी और बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते थे, पर उस वक्त बाकी हीरोइंस भी आ चुकी थी। शादी करने से पहले कमलजीत भी मुस्लिम बनने को तैयार हो गए और 1974 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद वहीदा बेहद ही गिने चुने फिल्मों में काम करती थी। पति कमलजीत व्यापार में थे, तो वहीं वहीदा ने भी बिजनेस में हाथ आजमा कर देखा। आगे चलकर कमलजीत और वहीदा के बीच तनाव बढ़े। एक समय ऐसा भी आया जब कमलजीत वहीदा से शादी करके पछताने लगे थे। आकस्मिक मृत्यु होने से पहले वे हिंदू धर्म में दोबारा लौटना चाहते थे। कुछ लोग ये मानते हैं कि वहीदा उन्हें बैंगलोर छोड़कर मुंबई बस चुकी थी और बैंगलोर में कमलजीत अकेले रहते थे। दुर्भाग्य से असली सच्चाई क्या थी, ये सिर्फ कमलजीत बता सकते थे, परंतु 2000 के साल में वे गुजर गए।